रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि यह कार्रवाई 2018 के एक मामले में की गई है। यह मामला पहले बंद हो गया था, जिसे अब फिर से खोला गया है। पुलिस के इस एक्शन को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस की आज़ादी पर हमला बताया जा रहा है। यहाँ राज्य की शिवसेना सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे प्रेस की आज़ादी पर हमला बताया। जावड़ेकर ने लिखा, मुंबई में प्रेस पत्रकारिता पर जो हमला हुआ है वह निंदनीय है। यह इमरजेंसी की तरह ही महाराष्ट्र सरकार की कार्रवाई है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। एडिटर गिल्ड ने भी अर्नब की गिरफ्तारी पर विरोध जताया है। महाराष्ट्र सीएम से अपील की गई है कि मामले की जांच बिना किसी पक्षपात के हो। लग रहे आरोपों पर शिवसेना का पक्ष भी सामने आया है। संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस ने कानून का पालन कर एक्शन लिया है। राउत ने कहा, पुलिस के पास सबूत हो तो किसी के भी खिलाफ एक्शन ले सकती है। ठाकरे सरकार बनने के बाद से किसी के खिलाफ बदले की कार्रवाई नहीं की गई है। किस मामले में गिरफ्तार हुए हैं अर्नब गोस्वामी, ये भी आपको बता देते हैं। जानकारी के मुताबिक अर्नब को सुसाइड के लिए कथित रूप से उकसाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। यह मामला साल 2018 का है। तब 53 साल के इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां कुमुद नाइक ने सुसाइड कर लिया था। दोनों ने अलीबाग में सुसाइड किया था। अन्वय द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट में कथित रूप से लिखा गया कि गोस्वामी और अन्य दो, फिरोज शेख और नीतीश सारदा, ने उन्हें 5.40 करोड़ रुपए नहीं दिए, जिसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। हमारे वीडियो को लेकर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।